हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बैंकिंग सेक्टर के बेहतरीन स्टॉक के बारे में। तो ये जो स्टॉक है, मैंने ये चार्ट उसका लगा रखा है। ये जो स्टॉक एसबीआई है, तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का नंबर वन बैंक है, गवर्नमेंट की बैंक है। तो फिर आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर मैं देखेंगे तो मैं ये कुछ लेबल्स पहले से मार्क करके रखा हूँ। तो सबसे पहले हम इस लेबल्स पे नज़र डालेंगे। उससे पहले हम अगर यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर देखने बोलूंगा कि ये 23 अगस्त को इसने लो बनाया था 401 का। तो अगर ये लो टूटता है या फिर अगर इस रेट पे कंपनी या फिर स्टॉक आपको दोबारा से देखने मिलता है या फिर इस लेवल को तोड़कर और नीचे जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न फिर यहाँ से ये स्टॉक आपको देने वाली है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेबल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे 3 नवंबर में देख सकते हैं हम, यहाँ पे 3 नवंबर को इसने हाई बनाया था 542 का। फिर अगर हम यहाँ देखें तो 7 फरवरी को इसने हाई बनाया था 549 का। और फिर अगर अप्रैल में देखें तो यहाँ पे 11 अप्रैल को इसने 522 का लो हाई बना दिया। तो अगर हम यहाँ पे लो अगर इसका देख ले, तो मैंने यहाँ पे एक लो आपको मैं आप पहले बता चुका हूँ, 23 अगस्त को यहाँ 401, 20 दिसंबर को यहाँ पे हम देख सकते हैं 443, और अगर यहाँ पे 8 मार्च को हम देखें तो 425 का यहाँ पे लो बनाया। अभी जो स्टॉक है 441 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक आपको अगर बता दूँ, ये जो रेड लाइन हम देख सकते हैं, ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, और ये जो है ये ब्लू पर्पल लाइन अगर हम देखें तो ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आप एक चीज, मैं आपको इम्पोर्टेंट सी बात पर यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखें, इसका ये नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हो रहा है। ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज को 50 दिनों का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ काट रहा है। तो ये जो पैटर्न जो बन रहा है, ये एक बेरिश पैटर्न है, और इस पैटर्न का एक नाम है जो अपने आप में भयानक नाम है, जिसे हम अगर ये ऐसे स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में इसे हम डेथ क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। तो अगर ये डेथ क्रॉस पैटर्न जहाँ भी बनता है, तो यहाँ के बाद ये काफी ज्यादा वीकनेस का साइन है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे अभी ये स्टॉक 400 के लेवल पे आ सकता है या फिर उससे नीचे भी जा सकता है। तो अगर उससे नीचे अगर जाए या 400 के लेवल पे आए, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए सबसे बढ़िया मौका होगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं बोलूंगा, खास करके मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोलूंगा कि काफी ज्यादा अच्छा मौका हमें मिलेगा यहाँ पे बाई करने का। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे RSI अगर इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर तो बहुत ज्यादा फास्ट ही स्लो स्लो होते हैं। तो यहाँ पे अगर तभी हम देख लेते हैं कि क्या है, अगर ये दो इंडिकेटर है जो एक लीडिंग इंडिकेटर की तरफ से माना जाता है। तो अगर हम RSI देखें तो RSI 35.56 है, तो अभी भी ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ, लेकिन ये 35 ये वीकनेस का साइन है। यहाँ पे भी अगर RSI भी देखें तो हम यहाँ पे वीकनेस का साइन देख सकते हैं। अगर यहाँ हम MACD की बात करें तो यहाँ पे वीकनेस, यहाँ पे नीचे की तरफ MACD लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है, ये वीकनेस का यहाँ भी हमें साइन दिख रहा है। ये जीरो लाइन के नीचे जो बार्स हैं ये बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी वीकनेस का साइन है। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पे निवेश 400 के लेवल पे अगर ये स्टॉक मिले आपको, या 400 से नीचे मिले, 400 से नीचे आने का भी संभावना है, अगर 400 से नीचे मिले तो आप इसमें जमकर बाई कर सकते हैं। अगर हम चलते हैं टिकर टेप पे, देखते हैं एनालिसिस क्या कहते हैं। तो यहाँ अगर हम टिकर टेप पे देखें तो यहाँ 100% बाइंग की सजेशन टिकर टेप पे एनालिसिस की ओर से मिल रहा है। तो फिर मैं बोलूंगा कि खुद की एनालिसिस करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।